हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार प्राचित ने तो भाई सीधा सीधा फ्राई कर दिया है, किचन के कॉन्ट्रैक्टर को मार डाला उसको गंदी मौत से, आसरा तक नहीं किया कसम से। अब आगे देखते हैं क्या आगे होता है क्या। तो स्टार्ट इसका स्कूटर मास्क कर। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हो गया? फिलहाल तो तुझे मजा से खाते हैं। ये देख बजा, ये सीधा है बहुत। मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं काम आदमी हूँ। साले कुत्ते कमीने, करोड़ों रुपए के फैक्ट्री को तू एक 10 रुपए के ब्रेक वाइट टूट गई बोल के बंद करवा देगा। लेकिन जो गलत होगा तो वो तो ही है, गलत है फैक्ट्री के वो क्वालिटी की होनी चाहिए ना भैया। फिर दोबारा भाई बोलता है साले, मारो इसे। ओ गॉल मो साले, ये भी तो हर चीज होता है ना कि हर निजाम सही है। तुम्हारी तरह मैं पलट कर बाहर नहीं कर सकता, मैं दाल चावल खाने वाला हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मुझे छोड़ दो। बहुत कमजोर है बेचारा। लेकिन अपराचित मिट्टी का कीड़ा कछुए जैसा, छोड़ इसे। अरे मार ना खाने से मुझे अजीब लग रहा है राज। पेमेंट लिए तो मारना तो पड़ेगा ना अपनी तसल्ली के लिए। ऐसा है तो फिर मारो। इन्होंने पेमेंट लिए उससे इसको मारने के लिए। अभी कितना गंदा मामू, अब इसको पंचिंग बैग में डाली हूँ। राम ओ वो जो बॉक्सिंग वाला नहीं था वो तो कुछ चलना डाल दो, इस बेचारे की बहुत गंदी आदत हो जाएगी। और अरे मामू फ्यूज जुड़ गया इसका, मेरे ख्याल से जिंदा भी है नहीं है। नहीं धोया कितना है। मुझे क्यों लग रहा है मार नहीं मारा नहीं है वो, लेकिन उसे कम भी छोड़ा नहीं वो है। आंखें बंद आ गई। अबे ये तो वो आंखें खोली मारा गया। राजा हाँ तूने बुलाया? नहीं मामू। गंदे नाले के कीड़ों तुम्हें से कह रहा हूँ। कौन रे ऊंची आवाज में बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? ओ अभी ये तो वही है। क्या बोला था? तो ये क्या बोला देखो था? इसको अभी मैं फिर से जाना गई। कौन है अंबी? मैं अंबी नहीं हूँ। भाई इसके अंदर वो मार्का के नीचे पड़ा हुआ है। मैं अपरिचित हूँ। अरे मामू तो मैंने क्या बोला तो था? बड़ा ही अजीब सा हो गया, कंफ्यूज भी कर रहा है। अरे कैसे हो सकता है? इसका भेजा घूम गया होगा। क्यों साले पागल कुत्तों, एक मासूम निहत्थे को इस तरह मारते हो? तब मैं तो मुझसे लड़ो। ये तो बहुत लोचे वाला है मामू। जानी इसे पंगा ना लेना। इसे इतना मारा था, कोई और होता तो हफ्तों नहीं उठता। ये तो मामला उल्टा ही बात में तो दम मिल गया। और इसको भी देख चोटें लगी हुई है। अबे ये वो नहीं है ये, हाँ ये यही है। अबे ये वो नहीं है, पंगा मत लो इसे। ए राजा ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं, यमराज हूँ। यमराज आके ही तुम लोगों का एक एक को मार रही बहुत गुंडा। हरी दौर ऐसे का इलाज ही है। अपराधी को तो पहले आ जाना चाहिए था। देख रो, तो उसको ला नहीं सकते।
तुमने प्राकृत की रक्षा का प्राकृत को देखा ना चाहता हाँ। अगर वो शक्ति वाला रूप में मेरे सामने आ गया तो जगह में मर जाए। अबे क्या बोल रहा है इनको, क्या इनको भी मारेगा जान से? लगते ये पिछवाड़े पिछवाड़े पे लगी है। क्या पकड़ा गया कैच कर रहा था लेकिन कैच कर सकता है पावर से देता है। कहां भागोगे इससे? लगता है ये भी गए नुरजात, इनकी भी मौत पास है सब से, क्योंकि जो गलत करेगा पारिचे तो उसको मारेगा। ये वही जा रहा है। ओह मस्त पार्ट है यार। अब आया भाई साहब इसको उंगली तक नहीं लगा। हाँ। अब भागो कुत्ते की तरह। अबे भागो हाँ। भागो अबे मार चलता है। हाँ। पता भी नहीं चलता स्पीड से जा रहा है। हाँ मैं वही बोलने वाला था। गॉन ना तो नंगा करके बांधा हुआ है। हाँ। ये मुझे के ऊपर बैठ। ओ तेरी यार। अबे पारी छे बस करते बेचारे। अबे और मुंह भी बंद है, कोई बोल भी नहीं सकता। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं सरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशा। यह सर्व श्लोक है, मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक। और हम ये भी बढ़ गई क्यों, वे अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते? ये मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री का माल भी चाहे तुम्हें चिंता नहीं। 50 पैसे की सुपारी से लेके दंत मंजन पाउडर कपड़े स्टोव चप्पल ट्यूबलाइट टीवी मिक्सी इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि तक इस देश में सब कुछ तैयार होता है, परंतु किसी में भी क्वालिटी नहीं। क्यों? अपने देश की जनता को अच्छी चीजें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? बोलो। बस पेट में जो डालना है आराम। अब ये तुम्हारा खून पिएंगे, जिस तरह से तुम जनता का खून पीते आए हो। ये सांप है क्या है? अब ये वो कहीं कीड़े तो नहीं है खून पीने वाले? ये मेरे साथ भाई ये वही है भैया, ये जो खून पीते हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। भाई साहब ये भैया हाँ, ये जो खून पीते हैं इंसान का। डरो मत, इन कीड़ों में बहुत गुण है। जब ये तुम्हारा खून पिएंगे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। सर्वधर्मान परिचर्य मामेकं शरणं व्रज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशा। अबे मुझे कुछ होता है इसी चीजें देख के यार। सर्वधर्मान परिचर्य अबे क्या करता है यार, इतने गंदे तरीके से मार रहा है यार ये तो सबको। पहले तो भाई साहब उसको उठाया गुंडों ने। हाँ। और इतना गंदा पोल के मुझे हंसी उधर आई है,
बाइक पे मस्त होके जा रही, बाइक को जाने दिया खुद इसको, दो उठा लिया और खंभे के साथ भी मारा, कितना जोर को यार। और भाई सब इसको इतना गंदा मारा, वो भी कह रहा है यार मैं शरीर से इंसान हूँ, मुझे ना मारो, मैं जो दर्द होता है मैं दाल रोटी खाने वाला हूँ। और कितना सीधा सा, लेकिन भाई साहब वजान यार सुन, वो क्या कह रहे थे कि जब रब्ता करोगे तो हम आ जाएंगे, वेबसाइट जो बनाई हुई थी, लेकिन इसके अंदर वो आता है भाई इसके। अबे तो तुझे मैं क्या बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर घुसता है, लेकिन जब ये मार रहा होता था यही होता था। हाँ। यही होता था, यानी इसके अंदर वो घुसता है भाई। ये तो सीन अभी आया ना सामने भाई, घुसता है इसके अंदर, और उधर जो हमने पर्चे कन्फर्म था 99% की वही बंदा है, वही बंदा है, लेकिन वही बात है कि बेटा तू भी नहीं मान रहा था। लेकिन भाई अभी तो अबे यार एक तरफ से सीधा, एक तरफ से ये बात सही तूने बोली, एक तरफ से बंदों को काटने वाला वो कहां लगेगा यार, काटता भी नहीं है, कुछ और ही करता, कुछ और करता है। और सबसे बड़ी बात ये देख, एक आदमी दो चेहरे, एक शरीफ और दूसरी तरफ से वो भाई जो मतलब के भाई जो गलत काम करने वाले उनसे बदला लेने वाले, उनको सबक सिखाने वाले। और उसको देख जो ऑनर था कंपनी का, कहता क्यों नहीं सही तू बनाते हुए, अपने देश के लोगों को तुमने लूटे, शर्म अबे खून चूसने वाले छोड़ दिए यार, मजा आ गया यार, ये कोई हट के मूवी है, मैं कहता हूँ सब मूवी से हट के। जब उस बंदे को बोलते कहता तू कहता मैं वो नहीं हूँ, अबे मजा आ गया। पीछे वाला बंदा कहता है कि भाई इसको हमने ऐसा मारा था कि दो तीन हफ्ते उठे नहीं और ये तो फौरन उठ गई, कहते ये तो लोचा बहुत गंदा है भाई। यानी कि वो इसके अंदर आता है और वो बंदों को सजाए दे रहा है। मेरे ख्याल से असली चेहरा वही है जो हमने वेबसाइट पे देखा है, लेकिन वो जब इसके अंदर इंटर होता है तो इसका ये चेहरा खौफनाक सा बन जाता है और इसकी आंखें जो घूम रही होती है, चेहरा इसका चेंज होता है, वजह कहां एक मासूमाना यार किधर चेंज, वही चीज है लेकिन वही बात है इसका अंदर, समझ के एक आत्मा वाला सीन, हां बड़ा खतरनाक हो जाता है यार। तो यार भाई साहब बागी देखता बागे होता है क्या, तो